हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम लोग डिस्कम्फर्ट्स भी बोल सकते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कॉज होते हैं। सो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन राइज रैपिडली। इट टर्न द वोम इन टू अ सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द बेबीज ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम इट कुड कॉज डिस्कम्फर्ट टू द मदर। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस आर नॉर्मल। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स हैं या ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स हैं, ये प्रेगनेंसी को तो मेनटेन करते हैं, उसके लिए गुड सर्वाइवल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, बट क्रिएट करने के साथ साथ क्या करते हैं, ये मदर को डिस्कम्फर्ट भी फील कराते हैं। बट ये चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को नॉर्मल होते हैं एंड आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाते हैं, ये सबसाइड हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कम्फर्ट्स रिलेटेड टू द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो नोजिया एंड वॉमिटिंग स्पेशली इन द मॉर्निंग सून आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द बेड आर यूजुअली कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग को मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, जो कि मेनली प्राइमरी ग्रेविडा में देखी जाती है। जब वो सुबह मॉर्निंग में क्या होते हैं, जैसे ही बेड से उठती हैं वैसे ही उनको नोजिया वॉमिटिंग फील होने लगता है एंड मेनली ये फर्स्ट एंड सेकंड मिस्ड पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो देखते हैं इसके कॉजेज क्या क्या हैं। सो इंक्रीज लेवल ऑफ HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग मदर को फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सेंसेस ऑफ स्मेल्स को एंड सेंसिटिविटी टू ऑर्डर क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। एंड क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस भी होते हैं। मान लीजिए कि मदर ने 8 बजे खाना खाया और मदर क्या हो गई, सो गई, और मान लीजिए कि सुबह 7 बजे उठी, तो जो पूरा ड्यूरेशन है नाइट का, उस टाइम पे उसने कुछ भी मील इनटेक नहीं किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि शुगर की कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि फीटल का भी अपना वेसल मेटाबॉलिक रेट है एंड मदर का भी है, तो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दे रहे हैं, जिसके कारण मदर हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज में चली जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो ईटिंग ड्राई टोस्ट बिफोर अराइजिंग। तो बेड से उठने से पहले आप क्या करें कि कुछ थोड़ा सा खा लें एंड अवॉइड करें ब्रशिंग टीथ इमीडिएटली आफ्टर राइजिंग। तुरंत सडनली उठ के और डायरेक्टली क्या करना है, आपको ब्रश नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, बेड पर ही बैठे रहना है एंड स्मॉल ईटिंग स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, जो भी आपकी डाइट है उसको छोटी छोटी डाइट में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। देन अवॉइड फ्राइड फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स नहीं लेना है एंड इनिशियल सप्लीमेंटेशन आपको करना है vitamin B6 के साथ। देन नेक्स्ट कंडीशन इज एसिडिटी, इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। सो इनडाइजेशन क्या होता है, इनडाइजेशन को हम लोग डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं एंड इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर स्टमक। एंड हार्ट बर्न क्या होता है, हार्ट बर्न है बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट और चेस्ट। तो चेस्ट एरिया में जो भी बर्निंग पेन होता है या सेंसेशन होता है बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, जो कि क्यों हो रहा है, बिकॉज कॉज्ड बाय स्टमक एसिड कमिंग अप टू द ईसोफेगस। तो जो भी स्टमक में एसिड बनता है, मेनली वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, तो वो ईसोफेगस तक आ जाता है और ईसोफेगस की जो भी लाइनिंग है उसको क्या करता है, वो इरिटेट करता है। क्या क्या कॉजिंग फैक्टर हो सकते हैं इंडाइजेशन के, हार्ट बन के, सो ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। तो जो इंस्फिंक्टर एब्डोमन के कंटेंट को ऊपर नहीं आने देता है ईसोफेगस तक, वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण जो भी कंटेंट है, जो भी एसिड है, वो क्या हो जाता है, ईसोफेगस तक आने लगता है। एंड नेक्स्ट है बेबी पुशिंग अप अगेंस्ट योर स्टमक। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो इंस्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जा रहा है, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टमक, स्टमक भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, क्योंकि जो यूट्रस है बोल सकते हैं या फीटस बोल सकते हैं, वो उसकी स्पेस को क्या कर रहा है, घेर रहा है, एंड जिसके कारण क्या हो रहा है, मदर को हार्ट बर्न कॉज हो रहा है। देन ईटिंग अ बिग मील एंड हाई फैट फूड। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक साथ सारा खाना खा ले रहे हैं, जो कि जल्दी से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस या फिर कैफिनेटेड बेवरेजेस ले रहे हैं, जो क्या कर रहा है, एसिडिटी को क्रिएट कर रहा है। एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटी सून आफ्टर ईटिंग, और खाना खाने के जस्ट बाद क्या कर रहे हैं आप, फिजिकल एक्टिविटी कर ले रहे हैं या फिर आपको एनेक्सियस हो रहे हैं
जिसके कारण भी क्या हो सकता है आपको हार्टबर्न या इंडाइजेशन हो सकता है। तो इसकी नेचुरल रेमेडीज़ क्या हैं, इससे में आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लाइक स्क्वाट्स हो गया या फिर वॉक कर सकते हैं। देन अपने आप को स्लोली क्या करना है, आपको हाइड्रेट करके रखना है। देन स्मॉल मील्स क्या करनी है, हमेशा फ्रिक्वेंटली लेनी है या फिर पिपरमेंट टी ले सकते हैं। एंड गैसी फूड्स को आपको अवॉइड करना है। एंड जो भी क्लॉथ्स आप वियर करें वो लूज होने चाहिए। देन आप क्या कर सकते हैं, योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है मदर को, ड्यू टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोटिलिटी स्लो डाउन ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ड्राइंग ऑफ स्टूल एंड कंप्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द एनलार्जिंग यूट्रस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, वॉवल मूवमेंट्स हैं, वो क्या हो जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में कम हो जा रहे हैं, जिसके कारण जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है। एंड जो स्टूल है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन पा रहा है, वो ड्राई हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वुमेन को कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रहा है। एंड इसका अदर फैक्टर ये भी है कि जो एनलार्ज्ड यूट्रस है या जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविड यूट्रस है, वो इंटेस्टाइन को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी हो सकता है कि मदर ओरल आयरन सप्लीमेंट्स लेती है, कह सकते हैं आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में लेती है। समटाइम्स क्या हो सकता है, उसको डायरिया भी कॉज हो सकता है। एंड अदर कॉजिंग फैक्टर है इसके लो फाइबर डाइट या फिर लो फ्लूइड इनटेक एंड नो एक्सरसाइजेस। इसको मैनेज कैसे करेंगे हम, सो ईटिंग हाई फाइबर डाइट एंड अवॉइड लेग्जेटिव्स एंड एनिमास विदाउट फर्स्ट कंसल्टिंग विद द फिजिशियन। तो अगर आप एनिमल लेना चाहते हैं या फिर लेग्जेटिव्स लेना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे। देन ड्रिंक एटलीस्ट 6 glasses ऑफ वाटर पर डे एंड डू मॉडरेट एक्सरसाइजेस एवरी डे। एक्सरसाइजेस करते रहिए, इवन स्पेशली आपको वॉकिंग तो करना ही चाहिए। देन मेंटेन अ रेगुलर शेड्यूल फॉर वॉवल मूवमेंट एंड यूटिलाइज डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको करनी है, जिससे क्या होगा, एक आपका शेड्यूल फिक्स होगा प्लस आपको हेल्दी फील होगा। एंड आयरन एंड एम्प्टी स्टमक विथ जूस। और आपको अगर आयरन इनटेक करना ही है तो आप क्या करेंगे, किसी भी विटामिन सी कंटेंट फ्रूट्स के साथ क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देन कैन यूज डलकोलेक्स। डलकोलेक्स क्या है, एक स्टूल सॉफ्टनर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हेमरॉइड्स। तो हेमरॉइड इट इज यूजली अकर इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है एंड इट रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर एंड कॉन्स्टिपेशन। तो वीनस प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, वो वीनस प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस, उस पर कंप्रेशन आ रहा है, जिसके कारण जो वेन्स हैं वो वहाँ की क्या हो जा रही हैं, स्वेलो हो जा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मदर को हेमरॉइड कॉज हो रहा है। सो इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सो सोकिंग इन अ वॉर्म सिड्स बाथ। तो ये आप देख रहे हैं एक टब है, सॉरी ये तो आप देख रहे हैं, ये एक टब है जिसमें वुमेन क्या की है, अपने पूरे बटक्स के साथ क्या करना है, उसमें डिप कर देना है। एंड उससे क्या होगा, वार्म कंप्रेशंस या वार्म फील होगा, जिससे कि मदर को रिलैक्स फील होगा। देन सिटिंग ऑन अ सॉफ्ट पिलो, सॉफ्ट पिलो पे ही बैठना है एंड ईटिंग हाई फाइबर फूड एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। तो हाई फाइबर डाइट लेनी है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एंड ड्रिंकिंग सफिशियंट फ्लूइड एंड इंक्रीज एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग एंड अप्लाई ऑइंटमेंट सपोजिटरी और कंप्रेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। तो फिजिशियन जो आपको प्रिस्क्राइब करें वही ऑइंटमेंट सपोजिटरी आपको लेना है। सो नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इन दिस इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया भी कहते हैं। सो फर्स्ट थ्रू द थर्ड मंथ में ये अकर हो सकता है। एंड क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया ऑफ द वजाइनल म्यूकोसा। तो वजाइनल म्यूकोसा में हाइपरप्लेजिया हो रहा है और एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। तो जितना ज़्यादा सेल ग्रोथ होंगी या साइज ग्रोथ होगा सेल का, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर हॉर्मोनल स्टिमुलेशन हो रहा है प्रोजेस्टेरोन का और ईस्ट्रोजन का, विच बिकम हाइपरट्रॉफिक एंड हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग एन अबंडेंट अमाउंट ऑफ म्यूकस। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होने लगेगा, म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेगा। एंड ल्यूकोरिया जब होता है तो उसमें आपको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि प्रूराइटिस हो गया जिसमें सीवियर इचिंग कह सकते हैं आप उसको, बर्निंग ऑन यूरिनेशन होगा, फाउल ऑडर होगा फ्रॉम द डिस्चार्ज एंड एडिमा भी हो सकता है।
देन इसको कैसे मैनेज करेंगे. सो मदर को क्या करना है, प्रॉपर क्लीनजिंग हाइजीन मेंटेन करनी है एंड ऑलवेज कॉटन अंडरवियर्स पहनने हैं. अवॉइड डाउचिंग, ये देख सकते हैं कि ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है डाउचिंग. एंड टू क्लीन्स द वल्वा एटलीस्ट वंस अ डे विथ सोप एंड वाटर एंड टू ड्राई थोरोली. तो मदर को क्या करना है, वल्वा को क्लीन रखना है, सोप एंड वाटर से वो वॉश कर सकती है एंड उसको ड्राई करके ही क्या करना है, क्लॉथ्स पहनने हैं. द नेक्स्ट इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. सो दीज आर माइल्ड इंटरमीडिएट यूजुअली पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं जो कि डायलिटेशन एंड एफेसमेंट को लीड नहीं कराते हैं. ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होते हैं, मदर को नॉर्मली ये फील होते हैं. क्यों होते हैं, सो दीज कॉन्ट्रेक्शंस आर इन द प्रिपरेशन फॉर द वर्क ऑफ लेबर. तो ये क्या कराते हैं, मदर को लेबर के लिए प्रिपेयर कराते हैं. इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, सो दीज आर नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शंस एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट. तो जैसे ही आप रेस्ट लेंगे या एडिक्वेट रेस्ट आप लेते हैं तो ये जो कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं वो क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं. एंड फ्रिक्वेंटली आपको स्लोली क्या करना चाहिए, पोजीशंस को चेंज करते रहना चाहिए और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप इस कॉन्ट्रेक्शन से रिलीफ पा सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेस्ट टेंडरनेस. ब्रेस्ट टेंडरनेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू द थर्ड ट्राइमेस्टर में ये आपको कॉज हो सकता है. एंड क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या होता है, वहां पर वस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई वहां पर टेंडरनेस कॉज हो जाती है. एंड इसको रिलीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट पे जेंटल मसाज कर सकते हैं, सपोर्टिव ब्रा ले सकते हैं, आइस पैक कंप्रेशंस दे सकते हैं या फिर वार्म कंप्रेशंस दे सकते हैं, देन विटामिन ई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, देन जो भी अगर कोई हर्बल मेडिसिंस हैं अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आप उसको भी ले सकते हैं, प्लस कैबेज रैप्स भी कर सकते हैं. उससे क्या होगा, जो टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज डिस्कम्फर्ट्स रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम. तो इसमें फर्स्ट है यूरिनरी फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी. तो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी ये मोस्टली देखा जाता है फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में. एंड जो वस्कुलर इंगॉर्जमेंट एंड ऑल्टर्ड ब्लैडर फंक्शन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन हार्मोन. तो जो भी आपका ब्लैडर, जो मदर का ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा, इंगॉर्ज हो जाएगा वहाँ की वेसल्स एंड ब्लैडर फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड हो जाएगा. सो इसके कारण क्या होगा कि जो भी ब्लैडर कैपेसिटी है एनलार्ज यूट्रस के कारण, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जब कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, बार बार मदर को यूरिनेशन फील होगा. सो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सो वॉइडिंग एट रेगुलर इंटरवल. तो मदर को रेगुलर इंटरवल पे क्या करते रहना है, वॉइड करते रहना है. एंड स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन एट नाइट टाइम. तो जो भी ग्रेविटी यूट्रस का जो कंप्रेशन है वो ब्लैडर पे फील नहीं होगा. एंड वियरिंग पेरिनियल पैड इज इफ नेसेसरी. तो अगर बहुत ज़्यादा यूरिनरी अर्जेंसी हो रही है तो आप रात में क्या कर सकती है, मदर पेरिनियल पैड भी वियर डाउन कर सकती है. देन परफॉर्मिंग कीगल एक्सरसाइजेस. कीगल एक्सरसाइजेस से क्या होता है, दिस पिक्चर शोज द कीगल एक्सरसाइज. इससे क्या होता है, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं एंड ब्लैडर होल्ड ब्लैडर को होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एंड लिमिट फ्लूड इनटेक बिफोर बेड टाइम टू इंश्योर रेस्ट. और रात के टाइम कोशिश करिए कि कम से कम पानी पीजिए ताकि आपको नाइट में ना उठना पड़े. दिस इज द लेफ्ट लेटरल पोजिशन. Now we will discuss the discomfort related to the respiratory system. So respiratory system में first is shortness of breath, जिसको हम dyspnea भी कहते हैं. So second and third trimester में जो cause होता है, and dyspnea is caused by the limited expansion of the diaphragm by the enlarging uterus. तो mother को dyspnea क्यों feel हो रहा है, क्योंकि जो एनलार्ज यूट्रस है वो क्या कर रहा है, डायफ्राम को एक्सपेंशन होने से रोक रहा है. उसका जो स्पेस है वो क्या कर रहा है, ग्रेविड यूट्रस घेर ले रहा है. एंड जिसके कारण क्या हो रहा है, डायफ्राम पे प्रेशर अराइज हो रहा है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायफ्राम यहाँ पर सिचुएटेड है, बट ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस क्या हो गया है, जो डायफ्राम की पोजिशन है वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जिसके कारण लंग एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और मदर को डिस्निया फील हो रहा है. एंड डिस्निया मे बी वेरी ट्रबलसम इन द लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डिस्निया और ज़्यादा होता है मदर को, क्योंकि जो जेस्टेशनल पीरियड है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बेबी का जो वेट है, साइज है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो इस टाइम पे हमको क्या करना है, स्लीप ऑन एडिशनल पिलो. तो एक्स्ट्रा पिलो लेके क्या करना है, मदर को सोना है एंड मेंटेन गुड पोस्चर. तो पोस्चर भी अच्छा मेंटेन करे ताकि प्रॉब्लम अराइज ना हो, लंग एक्सपेंड होते रहें. एंड अवॉइड ओवर ईटिंग नहीं करनी है एंड स्मोकिंग नहीं करनी है. देन जो भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है तो आपको क्या करना है,
आराम करना है, रिलैक्स करना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है और एनजाइटी भी नहीं करनी है, एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। एंड मान लीजिए कि किसी को सडनली डिस्निया हो रहा है, जिसको पहले से ही क्या है हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पेशेंट्स को हार्ट फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं, तो सडनली हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना है एंड परफॉर्म करना है टेलर सिटिंग एक्सरसाइजेस, जिससे क्या होता है कि डिस्निया का जो स्ट्रेस है वो क्या होता है थोड़ा सा रिलीज होता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलर सिटिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज नेजल स्टिफनेस। नेजल स्टिफनेस मेनली फर्स्ट थ्रू द थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन विच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नेजल टिश्यू। तो ईस्ट्रोजन इफेक्ट के कारण नेजल टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाती है एंड ड्राइनेस हो जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्कुलराइजेशन इंक्रीज हो जाता है। एंड इसको हम कैसे सबसाइड कर सकते हैं? सो अवॉइडिंग द यूज ऑफ नेजल स्प्रे एंटीहिस्टामिन नहीं लेना है। हमें मदर को ऑलवेज इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमिडिफायर, जिसको हम लोग स्टीम लेना या भाप लेना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सिंकोप एंड सुपाइन हाइपोटेंशन। तो सिंकोप मोस्टली अकर इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सुपाइन हाइपोटेंशन अकर इन अ थर्ड ट्राइमेस्टर, बिकॉज the pressure of the gravid uterus on the ascending vena cava when the woman is supine, which decrease the return of the blood. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो मदर का gravid uterus है वो क्या कर रहा है, इस vena cava को क्या कर रहा है, compress कर रहा है, जिसके कारण जो blood return होना है venous में वो नहीं हो पा रहा है। तो in this picture में आप देख सकते हैं कि अगर मदर supine position में है तो directly ये क्या हो रहा है, compress हो रहा है। अगर मदर lateral position ले लेती है तो इससे क्या हो रहा है, pressure release हो जा रहा है और ये क्या करेगा, प्रॉपर अपना ब्लड सप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट कैसे मैनेज करेंगे इसे? सो सिटिंग विद द फीट एलिवेटेड। तो फीट ऊपर करके आपको क्या करना है, बैठना है, देन स्लोली पोजीशंस चेंज करनी है एंड लेटरल रिकम्बेंट पोजीशंस में क्या होगा, जो भी यूट्रस पे प्रेशर पड़ रहा है वो यूट्रस का प्रेशर उस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन। सो वेरिकोज वेन इन द लेग्स एंड वल्वा कॉल्ड वेरिकोसिटीज, और अगर रेक्टम में है तो दैट इज हेमरॉइड्स। तो हेमरॉइड्स क्या होता है, स्वेलन वेन्स, जिसमें क्या होता है जो वॉल्व्स होते हैं वो प्रॉपर ब्लड को क्या करते हैं, वन डायरेक्शन में स्टॉप नहीं कर पाते हैं, एंड मे अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम और एग्रीवेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ये फर्स्ट टाइम आपको अपियर हुए हैं तो प्रेगनेंसी में क्या हो जाएंगे, ये और एग्रीवेट हो जाएंगे। सो मेनली ये देखने को मिलता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो इसकी कॉजेज़ क्या है? सो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल वॉल्व्स ऑफ वेन टू बी मोर डायलेटेड और ओपन, विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड हार्मोन विच कॉजेज पेल्विक वैसो कंजेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन जो भी वॉल्व्स हैं वेन की वो क्या हो जा रही हैं, डायलेट हो जा रहे हैं एंड जो वॉल्व्स हैं वो मोर ओपन हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मदर को पेल्विक वैसो कंजेशन फील हो रहा है एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द वीनस रिटर्न ड्यू टू प्रेशर ऑफ प्रेगनेंट यूट्रस ऑन लार्जर वेन। तो कंप्रेशन के कारण यूट्रस के क्या हो रहा है तो कंप्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो वीनस रिटर्न है वो भी क्या हो जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है। एंड वन ऑफ द फैक्टर है कि जो ब्लड वॉल्यूम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज हो जा रहा है, उसके कारण भी क्या हो रहा है, मदर को वेरिकोसिटीज हो रही हैं। इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? सो बाय एलिवेटिंग द फीट व्हेन सिटिंग एंड लाइंग विद द फीट हिप्स एलिवेटेड। तो आपको फीट और हिप्स को क्या करना है, एलिवेट करके रखना है। देन अवॉइड लेग क्रॉसिंग, लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड करना है कॉन्स्टिपेशन को एंड सपोर्टिंग स्टॉकिंग्स पहनने हैं, जिससे कि क्या होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर मेंटेन होगा एंड टू रिलीफ पेन एंड स्वेलिंग टेक हॉट सिड्स बाथ। तो सिड्स बाथ हम लोग ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फटीग। तो फटीग मेनली फर्स्ट एंड नेक्स्ट इज फटीग। तो फटीग हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस के कारण, एंड इसको आप मैनेज कर सकते हैं फ्रिक्वेंट रेस्ट पीरियड्स लेके एंड करेक्ट बॉडी मैकेनिज्म मेंटेन करके एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस करके, या फिर अवॉइडिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फूड कंटेनिंग स्टिमुलेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जो हमें क्या करते हैं, थकाते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं, ऐसे फूड्स हमको क्या करना है, अवॉइड करना है।
देन नेक्स्ट इज एडिमा, एंकल एडिमा, नॉन पेडिक टू लोअर एक्सट्रीमिटीज. सो ये मेनली कॉज होता है सेकेंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में. एंड ये क्यों होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम वैसोडाइलिटेशन, वीनस स्टेसिस, एंड इंक्रीज वीनस प्रेशर बिलो द यूट्रस एंड रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज. तो क्या हो रहा है कि जो भी ग्रेविड यूट्रस है वो क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है, जिसके कारण वैसोडाइलेशन हो रहा है, वीनस स्टेसिस हो रहा है और वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एडिमा भी देखने को मिलती है. एंड अगर ये एडिमा तो प्रेगनेंसी के बाद क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा. बट अगर एडिमा के साथ साथ प्रोटीन्यूरिया है या एडिमा है नॉन डिपेंडेंट पार्ट्स में लाइक अदर देन द पैडल एडिमा एंड सडन इंक्रीज इन वेट हो रहा है या फिर हाइपरटेंशन हो रहा है, इट मीन्स आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए. सो नेक्स्ट इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसमें भी आपको वही करना है कि जो लेग्स हैं वो एलिवेट करके रखना है, प्लस स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट साइड पोजीशन एंड सपोर्टिंग स्टॉकिंग्स पहनना है, देन अवॉइड करना है सिटिंग को, स्टैंडिंग को वन पोजीशन में, एंड मेंटेन करना है गुड पोस्चर. देन ऑल्सो अवॉइड करना है कंस्ट्रक्टिव क्लोथ, मतलब फंसे फंसे या टाइट कपड़े आपको नहीं पहनना है. एंड डायरेटिक्स क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. तो आपको एटलीस्ट 8 glasses ऑफ फ्लूइड क्या करना है? इनटेक करना है, जो कि नेचुरल डायरेटिक का काम करेगा. एंड इफ कंडीशन वर्सन टू अ जनरलाइज्ड एडिमा, अगर मदर को जनरलाइज्ड एडिमा कॉज हो जाता है, सो द पेशेंट शुड नोटिफाई हर फिजिशियन. तो उसको क्या करना है? फिजिशियन से कंसल्ट करना है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेडेक. हेडेक मेनली अकर होता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में. और ये क्यों होता है? रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम एंड वस्कुलर टोन के कारण. सो इसको कैसे मैनेज करेंगे? सो चेंजिंग पोजिशन स्लोली, अप्लाइंग अ कूल क्लॉथ टू द फोरहेड. तो फोरहेड पे आपको क्या करना है? ठंडे पानी की पट्टी रखना है, देन स्मॉल स्नैक्स को ही लेना है. एंड अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप एसिटामिनोफेन क्या कर सकते हैं? टैबलेट ले सकते हैं, जो कि क्या होती है? पेन रिलीवर होती है, फीवर रिड्यूसर होती है. बट जब ही लेना है, जब फिजिशियन आपको कंसल्ट करे. द नेक्स्ट इज डिस्कम्फर्ट्स रिलेटेड टू द मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम. इन दिस जो डिस्कम्फर्ट है वो है बैक एक, एंड मेनली इट अकर इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. एंड कॉजेज आर कॉज बाय रिलैक्सेशन ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज हॉर्मोन रिजल्टिंग इन स्लाइट जॉइंट एंड मसल रिलैक्सेशन, एंड इंक्रीज मोबिलिटी एंड एग्जिग्रेटेड लंबर एंड सर्वाइको थोरेसिक कर्व्स, कॉज बाय चेंजेस इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एनलार्जिंग एब्डोमन एंड ब्रेस्ट. तो क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? उसके इफेक्ट के कारण जो भी सैक्रोइलियक जॉइंट है वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है. एंड जो भी मसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं. तो जो सैक्रो सर्वाइको थोरेसिक कर्वेचर है या फिर लंबर कर्व है वो क्या हो जाता है? तो फ्लेक्सिबल हो जाता है और अंदर की तरफ टिल्ट हो जाता है. तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो कर्वेचर है वो ज़्यादा गहरा हो जाता है. एंड समटाइम्स बैकेक आपका वेट गेन के भी कारण होता है, या फिर फॉल्टी पोस्चर ले लिया, या फिर हाई हील्स पहन ली, या फिर मस्कुलर स्पाज्म हो गया, इस कारण से भी बैकएक हो सकता है. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब प्रेग्नेंट जो मदर है, जब ग्रेविड यूट्रस उतना बड़ा नहीं है तो इसका कर्वेचर स्ट्रेट है, बट जैसे ही ग्रेविड यूट्रस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ये कर्वेचर डीप होता जाता है. सो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो फर्स्टली आपको देखना है कि आप एक्सेसिव वेट गेन तो नहीं कर रहे हैं. देन रेस्ट इन हार्ड बेड विथ एलिवेशन ऑफ लेग. तो लेग एलिवेट करके हार्ड बेड पे ही आपको लेटना है. लेग टू फ्लेक्स द हिप मे बी हेल्पफुल. तो और क्या करना है आपको? लेग को हिप्स पे क्या कर सकते हैं? आप फ्लेक्स कर सकते हैं, जिससे आपको आराम लगेगा. देन इम्प्रूवमेंट ऑफ पोस्चर, अपना पोस्चर पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है. देन वेल फिटेड पेल्विक गर्डल बेल्ट, और आप क्या कर सकते हैं? इस प्रकार की बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं. देन मसाज द बैक मसल्स एंड एनाल्जेसिक्स भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज मसल क्रैम्प. तो मसल क्रैम्प मेनली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है. एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ नर्व सप्लाई द लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू द एनलार्जिंग यूट्रस. तो जो भी एनलार्ज यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस है, वो क्या कर रहा है? उसको कंप्रेस कर रहा है, जिसके कारण जो लोअर एक्सट्रीमिटीज को नर्व सप्लाई करती है वो क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, जिसके कारण भी मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं. एंड अनदर रीजन है के रिड्यूस्ड लेवल ऑफ डिफ्यूजिबल सीरम कैल्शियम और एलिवेशन ऑफ सीरम फॉस्फोरस इन द ब्लड स्ट्रीम. तो कैल्शियम लेवल का डिस्टर्ब हो जाना, ऑल्टर्ड हो जाना, और सीरम फॉस्फोरस का भी ऑल्टर्ड हो जाना क्या कर सकता है? मसल क्रैम्प्स को अराइज कर सकता है. एंड फटीग, चिलिंग या फिर टेंस बॉडी पोस्चर भी क्या कर सकता है? मसल क्रैम्प्स को अराइज
कर सकता है. नेक्स्ट मैनेजमेंट, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें कि मसल्स की क्या हो, स्ट्रेचिंग हो, आप क्या कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं. देन डॉर्सी फ्लेक्सिंग द फुट ऑफ द अफेक्टेड लेग, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने लेग को डॉर्सी फ्लेक्स अंदर की तरफ भी मोड़ के करेंगे जिससे कि मसल्स में क्या होगा, आराम मिलेगा. एंड अवॉइड फटीग एंड कोल्ड लेग्स, तो आपको ज़्यादा थकना नहीं है या एकदम एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में अपने लेग्स को एक्सपोजर नहीं देना है. एंड ईट अ डाइट विद एडिक्वेट कैल्शियम एंड प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम, तो आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं प्लस अपनी डाइट में भी कैल्शियम को इन्वॉल्व कर सकते हैं. एंड टेक द प्रिस्क्राइब्ड विटामिन बी एंड डी एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम. कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? वेन वुमेन प्रेजेंट विथ पेन एंड नंबनेस इन द थम, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, तो अगर इसमें नंबनेस है दैट मीन्स कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन है. एंड जो थम मूवमेंट है उसमें भी क्या हो, उसकी जो मसल्स है वो भी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी. इसके कॉजेज क्या है? ड्यू टू कंप्रेशन इफेक्ट ऑन द मीडियल नर्व, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर में जो है वो मीडियल नर्व है, वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, जिसके कारण नंबनेस हो रहा है. एंड रिटेंशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड के कारण भी नंबनेस आ सकती है. सो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो कीप द हैंड कूल, तो आपको हैंड को क्या रखना है, कूल रखना है. देन स्प्लिंट इज अप्लाइड ड्यूरिंग स्लीप टाइम टू द स्लाइटली फ्लेक्स्ड रिस्ट टू गिव रिलीफ, तो क्या कर सकते हैं आप नाइट टाइम में, ये आप पिक्चर देख रहे हैं स्प्लिंट की पिक्चर है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं जिससे कि थम को क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा. एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या फिर सर्जिकल डिकम्प्रेशन को भी यूज कर सकते हैं जिससे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा. एंड इट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली फॉलोइंग डिलीवरी, एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है. सो यहाँ पे हमारे जो भी डिस्कम्फर्ट्स थे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो गए, फिनिश हो गए हैं. तो इसको हम कंक्लूड करते हैं. तो ये जो हम लोगों ने टेक्निक देखी उससे हमें क्या पता चलता है कि वुमन क्या कर सकती है, इन सारे डिस्कम्फर्ट के रिगार्डिंग हम लोगों से क्वेश्चन कर सकती है जब भी मदर क्या होगी, हमारे पास एंटीनेटल ओपीडी में आएगी. तो इससे क्या होगा कि हम उनको मैनेजमेंट बता सकते हैं, होम रेमेडीज बता सकते हैं कि वो इसको कैसे मैनेज घर पे कर सकती हैं. तो इससे क्या होगा कि जो भी बेबी होगा वो हेल्दी बेबी बॉर्न होगा और जो भी डिस्कम्फर्ट्स हैं मदर को वो भी क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. सो आप लोगों को अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.